इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इस घंटी वाले आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना कर सको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज और आप देख रहे हो शिराज करंट बाइक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑटो न्यूज़ के बारे में। ये वीडियो हर संडे को आता था, लेकिन संडे वाले दिन एक गाड़ी लॉन्च हो गई थी जिसका मैंने आपको बताया था फैव एक्सपी पावर एडिशन के नाम से, उसके बारे में पूरा वीडियो बना दिया था। तो मैंने सोचा ये जो ऑटो न्यूज़ है ये मंगल वाले दिन अपलोड करते हैं। तो आज 13 नवंबर है और कल 14 नवंबर है। तो आपको पता ही होगा 14 नवंबर को मेरी बर्थडे है, तो सब नीचे हैप्पी बर्थडे लिख दो यार जल्दी से। तो सब ने नीचे हैप्पी बर्थडे लिख दिया। तो चलिए वीडियो शूट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान ऑटो न्यूज़ के बारे में। तो बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ वही है फैव एक्सपी के बारे में, उसका जो पावर एडिशन है वो लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप उस पावर एडिशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा वो वीडियो देखो जाके, वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा शायद, ऊपर ही मिलेगा यार, अभी कार्ड में आ जाएगा, देख लेना, याद नहीं रहता यहाँ पे आना कि यहाँ पे, उसमें आपको प्राइस भी पता चल जाएगी। तो अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि सुजुकी ने अपनी जो बाइक्स की प्राइस है उसे ज़्यादा कर दी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अपनी वेबसाइट पे, अगर आप मेरी वेबसाइट को जानते हो, नहीं जानते तो मेरी वेबसाइट का नाम है newswala.pk, चलो अभी जाके देख लेना, सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगी। वैसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, तो उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो। तो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। जो तीसरी न्यूज़ है वो ये है कि यामा ने अपनी बाइक्स की जो प्राइस उसे ज़्यादा कर दी है। मतलब हर कंपनी जो गाड़ियां पाकिस्तान में बेच रही है या बाइक्स बेच रही है वो अपनी बाइक्स और गाड़ियों की प्राइस ज्यादा कर रही है। पता नहीं ये काम कब तक चलेगा, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है प्राइस ऊपर चली जाती है, लेकिन जब डॉलर नीचे आता है प्राइस काम नहीं करता। जैसे ये बोली जाते हैं कि इन्होंने प्राइस ज़्यादा की हुई है। तो अब बात करते हैं चौथी न्यूज़ के बारे में। चौथी न्यूज़ है वो नॉन फाइलर्स के लिए है। तो जो पाकिस्तानी टूटा कंपनी है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नॉन फाइलर्स है उन पर जो बंदी लगाई गई है उन्हें खत्म कर दिया जाए। और उस पिटीशन में उन्होंने जो अपना मौकफ बताया है कि क्यों नॉन फाइलर की जो बंदी उसे खत्म कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हर वो बंदा जो गाड़ी ले रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है कि वो फाइलर हो जाए। तो इस तरह के उन्होंने पिटीशन दायर किया, अब देखें क्या होता है। तो वैसे भी जब नॉन फाइलर वाला ये रूल आया था तब यही कह रहे थे सब लोग कि इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो टूटा कंपनी को होगा, क्योंकि टूटा कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा खरीदते हैं वो नॉन फाइलर्स होते हैं 70%, इस तरह के नंबर बताए गए थे। तो मुझे लगता है वो नंबर सच्ची होंगे, इसीलिए टूटा कंपनी सबसे आगे आके उसने सबसे पहले इसके खिलाफ पिटीशन दायर की है, अब देखें क्या होता है। तो अब बात करते हैं पाँचवीं न्यूज़ के बारे में। जो पाँचवीं न्यूज़ है वो भी नॉन फाइलर्स के मुतालिक है। न्यूज़ के मुताबिक FBR जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइलर बनाने की कोशिश करेगी, वो भी गाड़ियों के जरिए। न्यूज ये आ रही है कि पुराना लाख सुपर जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी है पिछले 2 साल में, उन सब लोगों को FBR जल्दी नोटिस भेजेगा कि आप फाइलर हो जाओ वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभी ये न्यूज है, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, देखें क्या होता है आगे जाके कि आपके ख्याल में FBR ठीक आ रही है अगर ये बात सच है तो, या फिर FBR को ऐसा करना चाहिए अगर ये बात सच भी नहीं है तो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं छठी न्यूज के बारे में। छठी न्यूज ये है कि आपको मैंने बताया था, बल्कि मैंने इस बाइक के बारे में वीडियो भी बना दिया है, होंडा ने अपनी जो CD70 है 2019 मॉडल उसे लॉन्च कर दिया है। वो स्टिकर चेंज किए हैं और मीटर का जो स्टाइल है उसे चेंज कर दिया है। बस ये 2 चेंजेस आए हैं जो कि आपको 2019 होंडा CD70 के अंदर मिलते हैं। पता नहीं होंडा क्या कर रही है। तो अब बात करते हैं सातवीं न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ सुन के आप खुश जरूर हो जाओगे, क्योंकि फाइनली होंडा कंपनी जो है वो अपनी एक न्यू बाइक लॉन्च करेगी पाकिस्तान में 2019 में, जिसका नाम वो रखेंगे होंडा कोका 125। मतलब 125 का एक न्यू वेरिएंट आपको मिलेगा जो कि उन्होंने यामा के कंपटीशन में लाना है। इसकी पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये बात मैंने होंडा के डीलरशिप से भी कंफर्म की है, उन्होंने बताया कि वाकई ये बाइक आनी है, लेकिन ये बाइक 2019 के स्टार्टिंग में नहीं आएगी बल्कि 2019 के मिड तक ये बाइक पाकिस्तान में लॉन्च हो सकती है। उससे पहले ये बाइक आना पाकिस्तान में मुश्किल है, अभी इस पे काम हो रहा है। तो ये थी इस वीक की ऑटो न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।